सचिन जी अलीगढ़ से श्री एवंश गुरुदेव राधा वल्लभ एवंश महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम गुरुदेव भगवान आपकी तरह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए कृपया करके मुझे वो नियम बताएं इसमें तो सबसे पहले भगवान की कृपा होती है हमने तो जीवन में कृपा ही देखी है जैसे माँ की सुरक्षा में उसकी वात्सल्य में और उसके दुलार में ही बालक पुष्ट होता है ऐसे ही अगर कोई भी साधना पुष्ट होती है तो उसमें भगवान की कृपा भगवान का शासन भगवान का दुलार जैसे छोटा बच्चा कुछ भी खाने के लिए तैयार हो सकता है उसको ज्ञान नहीं पर ये पूरी जिम्मेवारी माँ की है वो दृष्टि रखती है अरे ये क्या खाने दौड़ पड़ी जल्दी से उसके हाथ से हटाकर उसको धो के बचा के उसको ले आए ऐसे पहला पहला उत्तर कृपा केवल भगवान की कृपा उसी से पूरा दूसरा भगवान की कृपा का आदर करते हुए सावधानियां रखना पहला ब्रह्म मुहूर्त में जगना जग करके हम इतना जल पिए कि या तो हमें उल्टी हो जाए या पच जाए अगर उल्टी हो गई तो पचने से भी अच्छा हुआ हमारे अंदर जो जहर बना ऐसे वो गंदे पदार्थ वो निकल जाते हैं ब्रह्मचर्य के लिए बहुत आवश्यक वो शीतलता प्रदान करता है ब्रह्म मुहूर्त में बिना कुल्ला किए वो जैसे तांबे के पात्र में एक लीटर जल रख ले रात भर रखा और उसे पीजिए तो वो बहुत आपको उसमें ब्रह्मचर्य में और इसके बाद थोड़ा टहलिए वज्रासन में बैठ के फिर सोच जाइए फिर स्नान कीजिए जरूरी है। और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए कठोर व्यायाम जैसे दंड बैठक ऐसे फिर आधा घंटा आसन कीजिए जो योगी का आसन है फिर अपनी दिनचर्या में उतर जाए विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी और भी गृहस्थी के जो कार्य खान पान विशेष खट्टी चीज कोई नशे वाली चीज या बहुत अधिक मीठा या बादी चीजें ये ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देती हैं। सावधानी कब्ज न बनने पावे कब्ज बने तो मृदु उपचार से उसको हटावे जैसे अब एकदम बाजार से मिला चूर्ण ऐसा वो नहीं मृदु उपचार जैसे ईशभ गोल की भूषी है छोटी हर है उसको मिला लो एक चम्मच एक चम्मच और दस दिन बराबर लो वो आपके हाथों को धीरे से अगर कोई बहुत ही तीव्र औषधि पाली तो वो पेट तो साफ करेगी लेकिन ब्रह्मचर्य को भी हटा देगी वो इतनी हीट पैदा करेगी जो कब्ज से हीट पैदा हुई थी बहुत संभालने की जरूरत होती है अगर व्यायाम नहीं है और आसन नहीं है और दिनचर्या ठीक नहीं आहार ठीक नहीं तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नए ठीक दस बीस दिन वो बात अलग है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए आप जो उसके विरोधी भाव हैं जैसे मोबाइल है उसे गंदी बातें देखोगे कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते जैसे गंदे मित्रों का संग करोगे कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते जैसे आप गंदी चिंतन अंदर करोगे तो आप भले क्रिया न करो लेकिन आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते क्योंकि चिंतन मात्र से अंदर एक मनोवाह नाड़ी है वो नाड़ी मथानी का कार्य करती है रक्त से मंथन करके वो उस जीवनी शक्ति को बाहर कर देगी जिसे स्वप्न दोष आदि कहते हैं वो इस तरह से नष्ट हो जाएगा हमारा चिंतन तो फिर चिंतन करने के लिए इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम तत्व का चिंतन भगवत तो हम नाम जब करते हैं राधा 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 नाम जब करते हैं पवित्र भोजन पाते हैं और कभी कोई कुसंग नहीं करते हैं हमारा लक्ष्य बन जाए कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे तो नैषिक ब्रह्मचर्य रह जाएगा और रोज इसी बात का केवल ध्यान रखोगे ब्रह्मचर्य का तो नहीं बन पाएगा उसको भूलना भी होगा वो एक साइड में चल रहा है हम गलतियों पर सावधानी रखे हुए हैं लेकिन हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति रहेगा तब चल पाएगा नहीं अहंकार शुरू हो जाएगा अब उस अहंकार में ही काम क्रोध लोभ मोह मद मदमद सत प्रहार करेंगे आप गिर जाएंगे लक्ष्य भगवत और बड़े से बड़े तप और साधन का विस्मरण उसका अहम ना आने पावे उसकी स्मृति ना आने पावे तो फिर हम बहुत आजीवन चल जाएगा ब्रह्मचर्य चल जाएगा पर ये गृहस्थी में रहकर आजीवन ब्रह्मचर्य रहना थोड़ा कठिन है क्योंकि उसमें रिश्ते नातेदार व्यवहार आदि में जाना उठना बैठना लोक व्यवहार फिर ब्रह्मचर्य रह पाना बहुत कठिन होता है जो हम जैसे वातावरण में रहते हैं जैसा दृश्य देखते हैं बहुत सावधानी धीरे 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 फिर क्या होता है ब्रह्मचर्य जो वीर शक्ति ऊर्धगामी हो, हो, हो जाती है वो पचने लगती है अ वो जब ऊर्धगामी हो गई तो फिर आधा पतन की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती पर ये बहुत कठिन है बहुत कठिन तो जितना बन सके संयम से रहो और अगर आपको लगे कि हमारा मन नहीं टिक पाएगा तो फिर ब्याह करके गृहस्थी में उसमें भी चला जाए तो भगवत प्राप्ति ही होती है खास बात है भगवत चिंतन संयम पूर्वक जितना संयम अधिक से अधिक कर सको और फिर नाम जप कर रहे हो तो भगवान कृपा करेंगे वो कृपा करके हमारा मंगल कल्याण कर देंगे समझ पा रहे हो जी